आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना बहुत कठिन काम है, ऐसा बहुत लोग का मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास सही रणनीति हो, सही कंटेंट हो, सही दिशा मार्गदर्शन आपको मिले, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रेलवे एनटीपीसी में जो बच्चे बैठते हैं वो एसएससी वाले ही बच्चे बैठते हैं, इस कारण से सिलेक्शन लेना और भी कठिन है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चा रेलवे की तैयारी करता है, क्या वो एसएससी की तैयारी नहीं करता? तो फिर आप इसे अलग अलग सेग्रीगेट क्यों करते हो कि ये एसएससी का बच्चा है, ये रेलवे का बच्चा है, वही बच्चा रेलवे का बच्चा है, वही बच्चा एसएससी का बच्चा है, कहीं अलग से नहीं होते और वही सिलेक्शन लेते हैं रेलवे में नहीं तो एसएससी में, एसएससी में नहीं तो रेलवे में? ओवरऑल सबसे बड़ी चीज जो है आपके सिलेक्शन के लिए आपको सही रणनीति और सही कंटेंट का चुनाव है। मैं आलोक शुक्ला परीक्षा प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ आज आप सभी के लिए मैथ्स की तैयारी का मूल मंत्र क्या होना चाहिए, कैसे हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जब मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इशारा फुल मार्क्स की तरफ होता है। रेलवे एनटीपीसी में अगर मैं बात करूं तो आपको सिलेबस पैटर्न सीबीटी 1 का पता होना चाहिए, जिसमें 40 आपका जीएस है, लेकिन मैथ्स का पोर्शन देखा जाए तो 30 क्वेश्चन मैथ्स है और रीजनिंग भी 30 है। जिस बच्चे की मैथ्स स्ट्रांग होती है, रीजनिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो जब मैं मैथ्स का इशारा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सीधा 60 प्रश्नों का कर रहा हूं। एक तरफ आपका जीएस है 40 और एक तरफ सेम सेगमेंट आपका क्या है 60, तो यहां पे 40-60 का रेशियो है। नो डाउट यहां पे एनटीपीसी में बात किया जाए तो जीके जीएस का रोल बाकी एग्जाम के सापेक्ष में, बाकी एग्जाम के रिलेशन में ज्यादा है और यही कारण है बच्चा जीके जीएस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि जीके जीएस आपके लिए महत्वपूर्ण तो है, बट एक चीज आप समझते हुए चलेगा, अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो आपकी पहली रणनीति होनी चाहिए कि आपका मैथ्स का पोर्शन और रीजनिंग के पोर्शन में आपको 100% नंबर लाना है। मतलब अगर 60 प्रश्न इन दोनों पोर्शन से पूछे जा रहे हैं तो आपको 60 में 60 करने का प्रयास करना है, भले ही एक दो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए, वो सबसे होता है, आप अनोखे इस पृथ्वी पे नहीं हो। लेकिन आपका जो प्रयास होना चाहिए वो फुल में फुल का होना चाहिए और अगर आपने मैथ्स में फुल ले आया तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैथ्स में फुल मतलब रीजनिंग में अच्छा स्कोर और दोनों में अच्छा स्कोर अगर आपने जीएस को रणनीतिक तरीके से पढ़ लिया। जैसा कि मैंने इससे पहले जीएस वाले स्ट्रेटजी आपको बताई है, वो वीडियो देखेंगे तो जीएस जीके में कैसे आपको स्कोर बूस्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी पड़ी है, तो के जीएस वाले भी स्ट्रेटजी आप लोग देख लीजिएगा। हम इस पूरे टॉपिक में बात करेंगे मैथ्स के 30 प्रश्नों की, जिसका सिलेबस आपके सामने यहां पे अगर देखा जाए तो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट सिलेबस होता है और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सीबीटी 2 होता है, जो मार्क्स आपका जुड़ना है, उसमें भी मैथ्स 5 क्वेश्चन बढ़ के आता है, यानी 35 नंबर का मैथ्स 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 35 क्वेश्चन में अगर हम लोग एक ट्रेंड एनालिसिस की बात करें कि विगत वर्षों में जो आपकी परीक्षाएं होती आई हैं, जो इससे पहले पूर्व में एनटीपीसी की परीक्षा वर्ष 2021 में संपन्न हुई है, अगर इसमें देखा जाए तो तमाम शिफ्टों का अगर हम लोग केवल औसत लें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको मिलता है वो वेटेज आपको नंबर सिस्टम का मिलता है, सिंपलीफिकेशन का। हम नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन को एक ही में काउंट करते हैं और ऐसे आप मिनिमम 7-8 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम सिंपलीफिकेशन मान सकते हो। अगर आप सिलेबस देखोगे तो इन्होंने नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएफ, इनको अलग किया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सारा का सारा पोर्शन आपका नंबर सिस्टम ही होता है। और जब सिंपलीफिकेशन की बात होता है तो उसमें थोड़ा बहुत रेशियो, थोड़ा बहुत परसेंटेज भी इंक्लूड हो जाता है और थोड़ा बहुत आपके क्या होते हैं सर्ट्स इंडिसेस, जिसे एल्जेब्रिक पार्ट बोल सकते हो, वो भी इंक्लूड हो जाता है। बट ओवरऑल इन जनरल बात किया जाए तो नंबर सिस्टम ही है, यानी कि एलसीएम, एससीएफ की बात करें, अगर हम लोग डेसिमल, फ्रैक्शन की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें और हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 7-8 नंबर आपका यहीं से फंसता है, यहीं से पूछा जाता है। हालांकि एक चीज समझिएगा कि एनटीपीसी का जो पेपर है, यहां पर लाखों बच्चे आवेदन करते हैं और जब किसी परीक्षा में बहुत ज्यादा संख्या में आवेदन होता है और पेपर ऑनलाइन होता है तो कंपनीज के पास, आयोग के पास केवल एक ऑप्शन रह जाता है कि पेपर को मल्टीपल शिफ्ट में कई दिनों में कराया जाए। और ऐसा देखा गया है, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इन सबके जो पेपर होते हैं ये आपके 10-10, 15-15 दिन चलते हैं, एक दिन में 3-3 शिफ्ट होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग आपके 15-45 शिफ्ट हो जाता है अगर 15 दिन पेपर किसी का होता है। अगर ऑन एवरेज 10 लेके चले तो 10-30 शिफ्ट हो जाएगा और 30 शिफ्ट में अगर इन्हें प्रश्न बनाना होगा तो एक पेपर में 100 प्रश्न बनाना, यानी 3000 प्रश्न चाहिए। अगर हम केवल मैथ की बात करें, एवरेज 30% प्रश्न बन रहा है, यानी कि कम से कम 900 से 1000 प्रश्न केवल मैथ्स के चाहिए और 900 से 1000 प्रश्न ये केवल डेटा चेंज नहीं करते, ये क्वेश्चंस के रेंज को बदलते हैं, क्वेश्चन के डायमेंशंस को बदलते हैं, क्वेश्चन का कहीं ना कहीं वेटेज बदलते हैं और यही कारण है कि बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा देखा जाता है कि नंबर सिस्टम से ज्यादा पूछ लिया तो किसी शिफ्ट में आपका अरिथमेटिक से ज्यादा पूछ सकता है, किसी शिफ्ट में आपका एडवांस
एडवांस से ज्यादा ज्यादा पूछा जा सकता है। एडवांस पोर्शन में जैसे आपका आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया, स्टेटिस्टिक आ गया, जहां पे आपके मीन मीडियन मोड के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार अगर देखा जाए, आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारे पोर्शन जो होते हैं, एलजेब्रा हो गया, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हो गए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हो गए, ये सारे एडवांस पोर्शन होते हैं। तो आप ये पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते हो कि आपके एग्जाम में कौन सा पोर्शन आने वाला है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लक, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, इस बात को समझिएगा। तो ये बात मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आपके पास जो ये पूरा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास ये पूरा जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसी में इंस्टॉलमेंट मान के चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसी में डिस्काउंट मान के चलिए, अलग से नहीं लिखा है, एलिमेंट्री एलजेब्रा हो गया जिसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटीज तीनों मान के चलिए, ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन निर्देशांक ज्योमेट्री का भी मान के चलिए, क्वाड्रेट ज्योमेट्री का भी मान के चलिए, और ट्रिग्नोमेट्री आजकल तो देखो एसएससी वगैरह में अगर टीसीएससी करा रहा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है, तो हमें उसको भी दिमाग में लेके हुए चलना है, और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक जिसमें मीन मोड मीडियन और सबसे बड़ी बात है ईटीसी मतलब कि डीआई के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कहीं ना कहीं एक संबंध आप स्टैटिस्टिक से ले सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से लिखा नहीं है बट पूछा जाता है, और वो साक्ष्य भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ओवरऑल मैथ्स में कोई भी ऐसे टॉपिक कंप्लीट मैथ्स पूछी जाती है, और जब ये ईटीसी लिख देते हैं तो यहां पे कई जगह परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी पूछा गया है। तो अगर आप टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको एक दो क्वेश्चन कई सारे शिफ्टों में देखने को मिला है। बाकी जो मोटा मोटा आपका होता है, अगर आप नंबर सिस्टम हो गया, एलजेब्रा हो गया, आपका थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि रेशियो हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, अगर ये पोर्शन आपके मजबूत हैं तो इन पोर्शन में मात्र आप इतने पोर्शन से 30 में से कम 20 प्लस स्कोर कर सकते हो, मात्र जिन पोर्शन पे मैंने टिक लगाया है। और अगर थोड़ा बहुत ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी कर लेते हो तो 2-3-4 क्वेश्चन का इजाफा और होगा, आप 25 तक पहुंच सकते हो किसमें, 30 में से। बाकी जो आपके टॉपिक जो यहां पे मैंने टिक नहीं लगाया है, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे आपका सीआईएसआई हो गया, जैसे आपका स्टेटिस्टिक हो गया, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी, इन 4-5 से डिपेंड करता है कि कभी एक आध क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, कभी एक आध क्वेश्चन कम पूछ लेता है, तो ये आपके 5-7 नंबर का कहते हैं, 5-7 आपका वेटेज लेके जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको रेलवे की एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा में मैथ्स करना है तो आपको सबसे ज्यादा तो ज्यादा फोकस करना होगा नंबर सिस्टम पे ही, और नंबर सिस्टम जिस बच्चे का स्ट्रांग होता है, नंबर सिस्टम में जैसे मैंने बता दिया एलसीएमएसएफ सब इंक्लूडेड है, सिंप्लीफिकेशन जिसका स्ट्रांग होता है वो कहीं ना कहीं एक बूस्टअप लेके चलता है। और मैं आपको एक प्रश्न भी दिखाऊंगा, अभी इसके बारे में बताता हूं, प्रारंभ सीरीज के बारे में। आप यहां पे प्रश्न देखोगे तो ये आपके अरिथमेटिक के प्रश्न है, पूरा मैं लेके आया हूं। अगर आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देख लो तो ये आपके अल्जेब्रा वाले क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। अगर नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन देखोगे तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 8, तो डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। एलसीएम एससीएफ के दो-दो क्वेश्चन देखने को मिले, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिले, इस प्रकार के नंबर सिस्टम के बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इन पार्ट को जो अरिथमेटिक वाले पार्ट है अंकगणित को छोड़ के चलोगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स में आपको 30 में 30 का टारगेट बनाना है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जब आप कट ऑफ देखोगे खासकर लेवल 5 लेवल 6 का तो 85, 86, 87, 88 ऐसे बहुत सारे शिफ्टों बहुत सारे जोन में गए हैं, बहुत सारे आरआरबी के जो कट ऑफ गए हैं वो 87, 88 गए हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि अगर नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें, हम लोग 100 में से 88-85 नंबर देखें तो 85-88% बहुत बड़ा नंबर होता है जिसे लाना यकीनन बहुत मुश्किल होता है। तो फिर नंबर आते क्यों हैं? नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि यहां पे मात्र 3 पोर्शन है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। आप खुद सोचो कि एक बच्चा जिसका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होगा, अगर वो 60 क्वेश्चन में से 60 लेके चलता है तो वो उसके लिए फिर क्या 85 नंबर कोई बहुत ज्यादा कोई कठिन कार्य है क्या? बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि अगर किसी के मैथ्स रीजनिंग में 60-60 आ जाएंगे तो नो डाउट उसके क्या हो जाएंगे, उसके जीएस में भी जीके में भी 35 नंबर आ जाएंगे, और वो आराम से नहीं 35 तो 25 बहुत आराम से कर लेगा। अगर 10-12 नंबर गलत कर देगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, 85 नंबर तक पहुंच जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा लेवल 5 लेवल 6 में। बाकी लेवल 3 लेवल 4 इन सबके तो अलग होते हैं, और इस बार पैटर्न बदला है कि लेवल 3 लेवल 4 को बिल्कुल अलग कर दिया, लेवल 2-3 को अलग कर दिया, 5-6 को अलग कर दिया। तो 5-6 में आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा और कट ऑफ आपके ज्यादा जाने वाले
वाले हैं। मैं इसीलिए बार बार 5-6 की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट है आपका इसमें क्या है, केवल लेवल 5-6 की ही बात करेंगे और उनके कट ऑफ ऑलरेडी ज्यादा जाते हैं। तो आप ये मान के चलो आप किसी भी जोन से रहोगे, कहीं ज्यादा कोई सेफ जोन में आप कंसिडर कर लो तो एक आध नंबर कम होंगे, लेकिन ये उम्मीद मत लगाओ कि 80 से नीचे नंबर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत क्लियर सी बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। जो तैयारी करने वाला बच्चा है, जो बेहतर तैयारी करने वाला बच्चा है, वो मैथ और रीजनिंग में 60 में 60 अटेम्प्ट करेगा। जीएस में कितना बेकार भी करेगा तो उसका 40 में से 20 क्वेश्चन तो बनेगा, यानी 80 से नीचे कट ऑफ अगर आप एज्यूम कर लो तो या तो आप पढ़ाई छोड़ दो, या तो आप फॉर्म मत भरो, या तो आप कहीं गलत दिशा में जा रहे हो। मैं लेवल 5-6 की बात करूं तो सब यही है कि आपको मेहनत करना है, मेहनत। लेकिन अब इतना नंबर, ये तो मैंने बता दिया कि नहीं इतना नंबर ले, मैं ये भी तो आपको बताऊंगा कि आप ये नंबर कहां से ला सकते हो। तो देखिए, कभी भी किसी भी चीज का अगर आप स्टार्ट करने जाते हो, आप कोई चीज तैयारी करते हो, जैसे कि यहां पे अगर देखा जाए, मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना, बहुत सारे अध्यापकों के मुंह से सुना कि यहां पे एसएससी वाले बच्चे होते इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। एक बात समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप प्रारंभ कर रहे हो तैयारी, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको यह चीज और बेहतर तरीके से बताऊंगा कि अगर आप मान के चलो कि एसएससी का बच्चा इसमें आता भी है, एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा आता भी है, तो क्या आप एसएससी के बच्चे नहीं हो? क्या आप एसएससी का फॉर्म नहीं भरते हो? क्या आप एसएससी का फॉर्म नहीं भरोगे? मैं कह रहा हूं कि अगर 4-5 महीने में पेपर इसका हो जाए, आपको 4-5 महीने ही मिले, तो भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। नो डाउट, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है कि 4-5 महीने में बहुत मेहनत आपको लगेगी, लेकिन सिलेक्शन लेने वाला बच्चा इसलिए नहीं घबराता कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा पढ़ने से नहीं घबराता, जो पढ़ने से घबराता है वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ये बात भी बहुत क्लियर है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको उनसे डरना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप 4-5 महीने पर मेहनत कर रहे हो, मैं कह रहा हूं एक आध नंबर से कम रह जाएगा, तो एसएससी तो हर बार हो रही है। आप एसएससी, अगर कोई एसएससी का बच्चा यहां पर सीट ले रहा है तो आप एसएससी की सीट ले लेंगे। तो दोनों वैकेंसीज तो आपके सेंटर की हैं, दोनों वैकेंसीज तो आप ही की हैं, दोनों तो सेम कैडर की हैं। आप क्यों डिवाइडेड हो रहे हो एसएससी और नॉन एसएससी में, एसएससी और एनटीपीसी में? हर बच्चा एसएससी का है, हर बच्चा एनटीपीसी का है, और आप ही वही हो। आप इसे तैयारी करो दिमाग में ये चीज निकाल के, क्योंकि आपको दिमाग में एसएससी एनटीपीसी नहीं डालना है, आपको दिमाग में मैथ्स 30 में 30 डालना है, आपको दिमाग में रीजनिंग 30 में 30 डालना है, आपको दिमाग में जीएस में मैक्सिमम जितना कर सकते हो ये डालना है। और अगर इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो बिगनर्स बच्चे हैं उनको क्यों कहीं ना कहीं ये डर होता है कि सर हम कहां से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या करें, क्या शुरुआत में करें, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसलिए मैं छोटी छोटी स्ट्रेटजी भी लेके आ रहा हूं, लेकिन एक बहुत बेहतरीन, अगर आप देखोगे तो यहां पे एक प्रारंभ सीरीज आपके लिए बहुत बेहतर सीरीज लॉन्च किया गया है। ये वो सारे बच्चों के लिए जो इनिशियल तैयारी स्टार्ट करते हैं, चाहे 12th लेवल के हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के हो। इसमें 7 दिन 7 मैराथन हमने रखा है, मतलब 3 से 4 घंटे की, और सब्जेक्ट वाइज रखा है, मतलब आपका जीके जीएस है, मैथ्स और रीजनिंग है, जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है। और इसे हम टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। जैसे पहले मैराथन में मैंने आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम कवर करा दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे लगाने का तरीका यह होता है, कोर्स में हम लोग इसे किस प्रकार से कवर करेंगे, आपके सोचने का तरीका क्या होगा, क्या उसके लिए बेटर कंटेंट है, यह सब कुछ इस सेशन में। मतलब यह सेशन एक गाइडेंस प्रोग्राम है, यह सेशन आपका पीवाईक्यू सीरीज का सॉल्यूशन है, यह सेशन आपका क्या है, आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको करने का क्या बेहतर है, ये आप इस सेशन को करिए। तो ये सेशन आपको परीक्षा प्लस ऐप पे यूट्यूब प्ले सेक्शन में मिल जाएगा। इस सेशन को मैं आपके कोर्स में भी ऐड करवा दूंगा कि आप कोर्स जब स्टार्ट करते हो तो पहले आप ये 3-3 घंटे की 7 क्लास है, मतलब कि 20 घंटे आप अपना समय निकाल के दिन में 4-5 घंटे दो मैराथन देख के आप इसको कंप्लीट कर लो। हालांकि अभी शाम को 6 बजे ये क्लास मैराथन चल रही है, तो आप इसमें लाइव भी जुड़ सकते हो। अब रही बात कि आपको सही कंटेंट कहां से मिले और सही आपका क्या हो, सही आपका तरीका क्या हो तैयारी करने का। तो देखिए, एक सही कंटेंट आपके लिए मैंने बहुत बेहतर तरीके से, एक बहुत बेहतर जो मैथ्स की किताब है, वो मैथ्स की किताब मैं आपके लिए बना दिया हूं। तो सबसे बेहतर है कि आपको अगर मैथ्स स्ट्रांग करना है, आप चाहे बिगिनर हो, आप चाहे पहले से तैयारी करो, मैथ्स का तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछते हैं। अगर आप देखोगे ना कि कॉन्सेप्ट, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लेके आया और यहां पर क्वेश्चन था कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर में, उसका आपका रेडियस पूछना था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन डज अ क्यूबॉइड हैव, एक घनाभ के कितने स्ट्रेट लाइन होते हैं।
तो ये आपका कोई लगाने वाला प्रश्न नहीं है, ये आपको जब थ्योरी पढ़े रहोगे, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे तब आप कर पाओगे। और प्रश्नों में कॉन्सेप्ट का प्रयोग, जैसे अगर एलजेब्रा के आइडेंटिटी वाले इस प्रश्न को देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा कि किस आसान तरीके से लगा सकते हैं, क्यों ऐसा आता है, तो आप इसे बहुत कम समय में लगाओगे। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में एक बड़ा चैलेंज, जानते हैं बच्चों क्या होता है, एक बड़ा चैलेंज होता है आपका 90 मिनट, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना होता है, औसतन एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलता है। मां समझ रहे हैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो 0.45 0.5 सेकंड, मतलब एक मिनट से भी कम समय मिलता है। आप जीके जीएस में चलो थोड़ा समय बचा लेते हो, लेकिन 60 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग का होता है, प्रॉपर्ली 60 क्वेश्चन को इत्मीनान से करने के लिए मिनिमम 60 मिनट चाहिए, ऐसा मान के चला जाता है। लेकिन फिर भी ये आधे आधे घंटे का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिए, इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है, और इस वजह से पेपर बच्चों का बहुत छूटता है, और यही कारण है कि एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता। दूसरी बात, एनटीपीसी के पेपर सफल्ड होते हैं, मतलब पहले मैथ्स आया, फिर जीएस आ गई, फिर रीजनिंग आ गया, मतलब उसी बीच में फिर जीएस आ गया, फिर उसी में रीजनिंग आ गया, फिर उसी में जीएस आ गया, कोई ऐसा नहीं कि सेक्शन वाइज बटा, क्योंकि जब सेक्शन वाइज बटा होता है तो आप उसे टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर पाते हो। लेकिन जब आप क्या करते हो, आपका थोड़ा सा स्पीड बढ़ी, तुरंत जीएस का क्वेश्चन आ गया, स्पीड बढ़ी आपका मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, कोई डीआई का क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे में आपके स्पीड ब्रेक होते हैं, जिसमें 4-5 मिनट आपके बर्बाद होते हैं और उसी में टिक करना होता है। तो आप 90 मिनट को आप केवल 80 मिनट लेके चलो, क्योंकि 10 मिनट आपका वो बबल सेलेक्ट करने में और क्वेश्चन को आगे पीछे करने में चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो 80 मिनट में अगर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब ऑन एवरेज आपको 40 सेकंड ही मिलेगा, और 40 सेकंड में आपको परफॉर्म करना होगा। तो ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो चीज है, बच्चे यहां पर पूछते हैं, सर हम कॉन्सेप्ट कहां से मजबूत करें, किसकी क्लास लें, कौन कॉन्सेप्ट बढ़िया करा पाएगा। तो एक चीज समझिएगा, दो लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो बहुत ज्यादा नाम गिराम के पीछे भगते हैं, बहुत ज्यादा कि नहीं बहुत बड़ा चेहरा है, मैथ इन्हीं से पढ़ेंगे तो हमारा आएगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, जिस भी टीचर को आपको समझ में, आप उस टीचर से जुड़ो। मैं फोर्स नहीं करता हूं, आपको मैथ अच्छा लगता हूं तो आप मुझसे जुड़े, मैं आपको मैथ्स पूरा कवर कराऊंगा। मैं आपको एश्योर कराता हूं कि मैथ्स में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सॉल्व ट्रिक, एक एक प्रैक्टिस, कहां आपका समय बचे, कहां पे आपको सोचना है, किस प्रकार आपको समझ में, क्योंकि केवल सॉल्व ट्रिक से ही सब कुछ नहीं होगा। पता लगे आप नई तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज आया कैसे, तो वो भी जरूरी है। आप किसी ऐसे टीचर से जुड़ जाओगे जो बहुत हाई फाई आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक लेके नहीं चलेंगे, तो आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। आपको समझ, क्योंकि समय भी 4-5 महीना केवल है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम स्टार्ट कहां से करें। दूसरी बात, आप किसी बहुत लो लेवल पे पहुंच जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टीचर इस लेवल को नहीं पहुंचा पाएगा कि भाई आपको स्पीड अप भी करना है, आपको स्पीड भी बनानी है, आपको प्रैक्टिस भी करवानी है। तो इसलिए आप एक बेहतर, कहीं जहां पर आपको अच्छा लगे इस टीचर से जुड़ो, जहां पर आपका मैथ्स वो बेसिक भी स्ट्रांग हो और साथ में आपका सॉल्व ट्रिक और प्रैक्टिस भी स्ट्रांग हो। और यही आपके मैथ्स का मूल मंत्र है कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ साथ आप एक टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड करो। अब रही बात कि ये हम करें कहां से, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के लिए भाई मैथ्स जीएस होता तो मैं बोलता अपने आप केवल किताब से पढ़ लो, केवल किताब से मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगी, इसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए आपको टीम परीक्षा प्लस में मैं आपको दो टीचर बहुत बेहतर मैथ्स के सेक्शन में दे रहा हूं। एक मैं आपको मैथ्स खुद पढ़ाऊंगा, जो आपके अरिथमेटिक का पोर्शन है, नंबर सिस्टम का पोर्शन है, अल्जेब्रा का पोर्शन है, मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जो आपके एडवांस के पोर्शन है वो आपको महबूब चौधरी सर पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त, जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, जैसे आपका स्टैटिस्टिक हो गया, जैसे आपका बाकी पार्ट हो गया, पीएनसी हो गया, ये सारे पार्ट आपको महबूब चौधरी सर पढ़ाएंगे। तो दो टीचर आपको मैथ्स में ही मिल रहे हैं, और सबसे बेहतर बात, ये आपको पेड कोर्स में जाएंगे, आपको एनटीपीसी 2.0 मिलेगा, ये मात्र 199 में मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप, अच्छा बच्चा कॉल करता है, बिलीव नहीं करता, सर मात्र 199 में पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। मैं कहता हूं हां भाई, परीक्षा प्लस है, यहां पे हमेशा मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम क्वालिटी देने का प्रयास किया जाता है, और हमेशा हम लोग ऐसा करते भी आ रहे हैं। तो आप सोचिए, मैथ्स में दो टीचर हैं, जीएस में 4-5 टीचर हैं, रीजनिंग कंप्यूटर के टीचर हैं, मतलब 8-10 फैकल्टी, सारी आपकी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको सारे बुकलेट नोट्स, आपको सारे जो क्लास नोट्स हैं, आपको ई बुक दिया जाएगा, और साथ में जो आप किताब ढूंढते रहते हो वो सब कुछ आप परीक्षा प्लस ऐप पे ही प्राप्त कर सकते हो। अब
तो कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, मैं फोर्स नहीं करूंगा मुझे से पढ़ो, मैं मेरी क्लासेस पढ़ी है यूट्यूब पे, मैं कुछ डेमो भी लेके आऊंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा अच्छे से, आप क्लास में डेमो देख लीजिए, परीक्षा प्लस ऐप पे जाके तब आप जुड़िए, मैं फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है, आपको जहां पे आपकी माइंड सेटिंग बैठता है कि हाँ भाई ये टीचर हमें बढ़िया पढ़ा पा रहा है, तो आप उससे पढ़िए और आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट। अब रही प्रैक्टिस, यहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली रोकूंगा कि कोई भी टीचर बोले कि नहीं रेलवे के लिए हमने बहुत बेहतरीन मैथ्स निकाल दिया है, आप इसी को, मैं देखो आपको अपनी किताब भी नहीं बोल रहा हूं, आपको ये ईबुक आपको कोर्स में मिल जाएगी, इसमें आपको सारे थ्योरी प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बाइलिंगुअल दोनों मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप एक बार कॉन्सेप्ट मजबूत करो, आप उनके साथ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद जो प्रैक्टिस का एक अभिन्न हिस्सा है वो है आपका पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आप कम से कम 16,706 प्रश्नों को प्रैक्टिस करोगे और ये वही क्वेश्चन है जो आपके रेलवे में पूछते आ रहे हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप यूथ की ले लो, आप किरण की ले लो, आप पिनकल की ले लो, आपको जो जचे आप वो किताब ले लो, मेरा प्रयास रहेगा ये सारे आपको जो ईबुक होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर वाले पिनकल के, ये सब जो आपको इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं, आपको 700-800 रुपए खरीदना ना पड़े, ये मैं आपको परीक्षा प्लस ऐप के ईबुक सेक्शन में, अगर आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे और ये जो ईबुक सेक्शन है यहां पे ये सारी किताबें आपको 10-10, 20-30 रुपए में मिल जाएंगी, आप वहां से करके आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि अगर आप केवल प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने में दिक्कत आता है, तो मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराता हुआ चलूंगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे जाते हैं कि सर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रीवियस ईयर किताब, चाहे यूथ है, चाहे आपकी किरण है, चाहे आपकी पिनेकल है, सबका मिला जुला मैं एक आपकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। कितने बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर स्टार्ट करिए, आप बोलोगे तभी स्टार्ट करूंगा वरना मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सारे बच्चों, पेड वाले बच्चों के लिए भी, ये नॉन पेड वाले बच्चों के लिए भी, सबके लिए मैं क्या करूंगा इसे फ्री रखूंगा, अगर करूंगा तो, और करूंगा तभी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो अगर आपको मैथ्स स्ट्रांग करना है तो पहला फोकस 30 में 30 लाने का प्रयास करिए, कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, और केवल किताबों में आप चाहे ये किताब आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो प्रैक्टिस दिया जाता है प्रैक्टिस वो करिए, साथ में आप प्रैक्टिस के लिए केवल पीवाईक्यू करिए। टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बताऊंगा जब 40-50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज में भी आप पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे तो आपका स्कोर अपने आप बूस्ट हो जाएगा। दिन में 4-5 घंटे अभी से मैथ्स को लेकर चलिए, इतना टाइम देते हैं तो मैथ्स के लिए आपके लिए सफिशियंट रहेगा और इससे ज्यादा मैथ्स करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं आपको रीजनिंग का भी ऐसे स्ट्रेटजी दे दूंगा, जीके जीएस का मैंने दे दिया और ओवरऑल भी स्ट्रेटजी दे दूंगा और हम लोग पढ़ाई की तरफ मूव करेंगे, मैंने आपको फॉर्म से भरना है, कौन सा सेफ जोन है, क्या कहां पे सेंटर जाएगा, सारी वीडियो बना दी है और अब आपका मैं पढ़ाई की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूं। तो आप सभी लोग मित्र, सारे मेरे छोटे भाई छोटे बहन, पढ़ाई की तरफ दिमाग लगाइए और पढ़ाई से ही आपका सिलेक्शन होगा, इस बात ये बात भी बिल्कुल सत्य है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।